14 जून को बाजार बंद होने के बाद एस्ट्रो साइकिल में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हुआ है और सूर्य अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि बुध एक गोचर भी अब मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है और 12 जून को शुक्र भी इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य और बुध के भी इस राशि में आ जाने से इस राशि में सूर्य बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। ये योग 29 जून को बुध के कर्क राशि में गोचर होने के साथ ही टूटेगा। हालांकि बुध और शुक्र दोनों अस्त स्थिति में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड के कारक ग्रे बुध की मिथुन राशि में बना ये त्रिग्रही योग बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगा और बाजार में जारी तेजी जारी रह सकती है। इस सप्ताह 17 जून को बकरीद के बाद बाजार बंद रहेंगे और बाजार में 4 दिन ही कारोबार होगा। इस बीच आषाढ़ मास में 23 जून से 21 जुलाई के मध्य 5 रविवार आने से यूरोप में सत्ता परिवर्तन होने और कहीं कहीं युद्ध जैसे स्थिति बनने के आसार हैं। लिहाजा जुलाई महीने की पोजीशन संभाल कर बनानी चाहिए। 18 जून को चंद्रमा तुला राशि में राहु के स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के चलते बाजार में उतार चढ़ाव के बाद पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। 19 जून को चंद्रमा का गोचर विशाखा नक्षत्र में होगा, लिहाजा इस दिन बाजार में बैंकिंग शेयरों के अलावा वित्तीय कंपनियों से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 20 जून को चंद्रमा का गोचर शनि के अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा गुरु के प्रभाव में रहेंगे, लिहाजा इस दिन बाजार में बैंकिंग शेयरों में तेजी के साथ साथ मेटल शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आएगा। 21 जून को चंद्रमा का गोचर ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, इस दिन बाजार में सामान्य कारोबार होगा। 14 जून को बाजार बंद होने के बाद एस्ट्रो साइकिल में सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हुआ है और सूर्य अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि बुध एक गोचर भी अब मिथुन राशि में हो रहा है। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है और 12 जून को शुक्र भी इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। अब सूर्य और बुध के भी इस राशि में आ जाने से इस राशि में सूर्य बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। ये योग 29 जून को बुध के कर्क राशि में गोचर होने के साथ ही टूटेगा। हालांकि बुध और शुक्र दोनों अस्त स्थिति में रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद ट्रेड के कारक ग्रे बुध की मिथुन राशि में बना ये त्रिग्रही योग बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगा और बाजार में जारी तेजी जारी रह सकती है। इस सप्ताह 17 जून को बकरीद के बाद बाजार बंद रहेंगे और बाजार में 4 दिन ही कारोबार होगा। इस बीच आषाढ़ मास में 23 जून से 21 जुलाई के मध्य 5 रविवार आने से यूरोप में सत्ता परिवर्तन होने और कहीं कहीं युद्ध जैसे स्थिति बनने के आसार हैं। लिहाजा जुलाई महीने की पोजीशन संभाल कर बनानी चाहिए। 18 जून को चंद्रमा तुला राशि में राहु के स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर के चलते बाजार में उतार चढ़ाव के बाद पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। 19 जून को चंद्रमा का गोचर विशाखा नक्षत्र में होगा, लिहाजा इस दिन बाजार में बैंकिंग शेयरों के अलावा वित्तीय कंपनियों से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 20 जून को चंद्रमा का गोचर शनि के अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा गुरु के प्रभाव में रहेंगे, लिहाजा इस दिन बाजार में बैंकिंग शेयरों में तेजी के साथ साथ मेटल शेयरों में फोकस बनता हुआ नजर आएगा। 21 जून को चंद्रमा का गोचर ज्येष्ठ नक्षत्र में होगा, इस दिन बाजार में सामान्य कारोबार होगा।